Good morning, students. Before starting the exercise 4.2, I will discuss property number 4 and property number 6. If some students have doubts in these properties, then clear their doubts. Now see property number 4. देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दिया था मैंने. अगर किसी को समझ नहीं आया तो भी आप मुझसे बोल सकते हो. एंड हाँ, आपका एक डाउट सेशन चला करेगा. डाउट सेशन मतलब एक दिन दो दिन मैक्सिमम डाउट सेशन होगा पूरा, कि जिसको जो भी डाउट है जिस क्वेश्चन में, वो अपना एक कंप्लीट मुझे भाई 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मैं जैसे गर्ल्स के अलग डाउट्स ले लूँगा, बॉयज़ के अलग डाउट्स ले लूँगा, तो उनके ऊपर एक एक वीडियो बनाकर शुरू से ही, ओके, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे डिटरमिनेंट्स हो, जितने भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे एक बार बता दो सारे, उनके ऊपर वीडियोस मैं आपको बना दूंगा. क्लियर? जितने भी डाउट्स हैं अभी तक, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी, ओके. सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना कि सर हमें ये आ नहीं रहा है, ये ऐसा हो रहा है. सो ऑल विल बी क्लियर. नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी आपकी डिटरमिनेंट्स में? सी प्रॉपर्टी फोर आपकी क्या कहती है? वेट अ मिनट. सॉरी ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है, ध्यान से देखना, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है, सपोज ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री. प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो, तो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है? उतने के टाइम्स हो जाता है. मतलब डिटरमिनेंट्स बदल जाता है, चेंज हो जाता है, वही नहीं रहता. सपोज मैंने एक डेल वन डिटरमिनेंट्स बन गया अलग. क्यों बन गया? क्योंकि सपोज मैंने मान लिया कि आर वन में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते चलो आप, कि हम आर वन में इस पूरी रो में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब के ए वन के ए टू के ए थ्री. तो मैंने प्रूफ भी दिया था कि कैसे ये हो गया. और बी वन बी टू एज इट इज लिख देते हैं, बी वन बी टू एज इट इज लिख देते हैं, सी वन सी टू सी थ्री. तो जो डेल वन है जो हमारा है, देखो के इसमें है, फर्स्ट रो में है. हम अभी यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम अगर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कर सकते हैं, मैट्रिक्स में नहीं, डिटर्मिनेंट्स में क्या, अगर किसी रो में से या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन बिल्कुल ले सकते हैं. इसमें से के कॉमन है तो के बाहर हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री. और ये क्यों आया है के बाहर, क्यों के टाइम्स क्यों हो गया? मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, प्रूफ दे दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ऐसा क्यों हुआ. सो डेल वन क्या हो जाएगा? K. और ये पूरी किसकी वैल्यू है? ये पूरे इसी की तो वैल्यू, डेल की. तो कितना हो गया, जो डेल था वो अब K टाइम्स हो गया. डेल था जो, कितना हो गया? K टाइम्स हो गया. मतलब जो नया डेल वन बनाया, नया जो डिटरमिनेंट्स बनाया, ये पूरा ये K टाइम्स है इस डेल के. मतलब हम लेकर तो चले थे ये, बट हमको अब क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिला, क्या मिलेगा, K टाइम्स मिलेगा. सिमिलरली अगर इसी में मैं, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्लियर है. अच्छा अब अगर हम बात करें, मतलब हम कॉमन ले सकते हैं डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से. अगर दो में होते ये तो एक रो से भी कॉलम आ जाता, एक रो से भी के कॉमन आ जाता और दूसरे से भी के कॉमन आ जाता, अगर दोनों रो में के का मल्टीप्लाई होता. अब मैं इसकी बात करता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. सपोज मेरी बात ध्यान से देखो, दिस इज़ द डिटरमिनेंट्स एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स. क्लियर? ये आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ से देखो ए वन, सॉरी यहाँ पर लिख रहा है के ए वन के ए टू के ए थ्री. क्लियर? एंड बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री. और डिटरमिनेंट्स में भी हम लेकर चल रहे हैं, डिटरमिनेंट्स में देखो, डिटरमिनेंट्स में हमारा हो गया के ए वन के ए टू के ए थ्री, के बी वन के बी टू एंड के बी थ्री. ऐसे ही के सी वन के सी टू एंड के सी थ्री. तो डिटरमिनेंट्स में क्या है, अगर किसी एक रो में भी दिख रहा है तो हम क्या ले सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं के, और इसको एज इट इज लिख देंगे ए वन ए टू ए थ्री. क्लियर? बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री. बट इन मैट्रिक्स में क्या है भाई, वो सब में होना चाहिए. मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंटों में वो होना चाहिए, और यहाँ पर देखो सारे एलिमेंटों में के है तो कॉमन आ जाएगा के,
A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3 एंड C1, C2 एंड C3। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके, A3, B3, C3। तो डिटरमिनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो में है तो कॉमन ले सकते हैं। अब सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें के एक रो में था, अगर यहाँ पर भी के मतलब सेकेंड रो में भी के का मल्टीप्लाई हो जाता तो सेकेंड रो से और ले लेते के, पहली रो से के कॉमन आ गया, ठीक है, सेकेंड रो में भी है क्या, तो भाई यहाँ से भी के कॉमन ले लो एक और। मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ से भी एक और के कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, अभी के स्क्वायर और ये हो गया, इज इट। तीसरी में भी के का होता तो पहले रो से कॉमन आ गया के, ऐसे दूसरी रो से के कॉमन आ गया, तीसरी रो से के कॉमन ऐसा क्या आ गया, ऐसा हम ले सकते हैं। और मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है किसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट में, इज इट क्लियर। ओके, सिमिलरली सिमिलरली अगर बाहर जब कॉमन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, अगर कॉमन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए, अगर कोई डिटरमिनेंट्स ये है मेरे पास, देखो डिटरमिनेंट्स ये है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट्स है और मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि जब कॉमन ही हम एक रो या एक कॉलम में से ले सकते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई भी, अगर 2 बाहर है तो 2 का मल्टीप्लाई भी किसी एक रो में कर दो या फिर किसी एक कॉलम में कर दो। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई आप किसी एक रो किसी में भी कर दो, चलो मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई ओनली फर्स्ट रो में होगा, 2, 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 3, 3, और बाकी सारे एज इट इज़। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में आपको पता है, अगर यही मैट्रिक्स होता है, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंटों के साथ होगा। ओके, ये कोई आपको रटने वाली बात नहीं है, ये सारा प्रूफ हो चुका है। ओके, मैंने प्रूफ करा दिया था वहां पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ये बात तो थी ये। अब नाउ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि आपकी 6th प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, लेट्स सी, डिटर्मिनेंट्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज द डिटरमिनेंट। सपोज इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ रही है आपकी ओवरऑल एक्सपेंड करने के बाद 5 आ रही है, डिटरमिनेंट्स पूरे की वैल्यू 5 आ रही है जब आपने एक्सपेंड किया इसको। ओके, नाउ हम इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो हम इसमें एडिशन वाले ऑपरेशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन, ये वाले ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब R1 में चेंज कर लो, कैसे, R1 जमा R2 जमा R3 कर लो, और जितने भी पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले, मैं पहले भी डिस्कशन कर सकता, R2 माइनस R3 कर लो, कुछ भी कर लो भाई, और क्या कर लो आप, बहुत सारे ऑपरेशन से कुछ भी लगा सकते हो, या फिर R1 प्लस R3 कर लो, और R1 प्लस 2R3 कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो दूसरी रो को, तो फिर ऐड होना चाहिए, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो अगर हम इन सब ऑपरेशन को करते हैं, इन ऑपरेशन को करते हैं, सपोज मैंने इनमें से कोई ऑपरेशन लगाकर, मेरी रो में कोई रो है उसमें चेंज आ गया, आप यहाँ से देखो, मैंने इनमें से कोई ऑपरेशन लगा, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो, कैसे, देखो R1 में चेंज कर दो, कैसे, R1 माइनस R2, बिल्कुल कर सकते हो। इन ऑपरेशन को लगाने से, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले ऑपरेशन को लगाने से, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ये सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं। और मैंने आई थिंक वहाँ पर प्रूफ करके भी बता दिया था प्रॉपर्टी नंबर 6 इन इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर मैंने इन ऑपरेशन को लगाकर, सपोज इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगाकर मेरे डिटरमिनेंट्स ऐसे चेंज हो गया, R1 मेरी चेंज हो गई, जैसे 3, 8 और 10 बन गई R1, ये ऑपरेशन लगा के, तो ये चेंज हो गई, और ये एज इट इज रही अगर, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे ना पूरे की, तो भी क्या आएगी, 5 ही आएगी, जो पहले चल रही थी वही आएगी, ये प्रूफ हो गया है, इज इट। बट आप मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन नहीं लगा सकते, जैसे सपोज इसकी वैल्यू 5 आ रही है ना, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम कर सकते हैं ऑपरेशन में। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन लगाते हैं, तो क्या होता है, सपोज इसमें मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R1 में कैसे चेंज कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करके, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो R1 में चेंज करो, चलो एक बार तो डेल आ जाएगा हमारे पास, R1 को कैसे चेंज करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, तो ये 1 का हो जाएगा 2, 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू R1 4, 2 इंटू R1 2 इंटू 3 6 और 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, तो यहाँ से देखते रहो आप, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन मैंने ले लिया बाहर, यहाँ क्या बच गया, 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब ध्यान से देखो डेल की वैल्यू चेंज होने जा रही है, डेल्टा टू, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी है, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी थी फाइव, ओके तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है फाइव, तो डेल की वैल्यू तो चेंज हो गई ना टेन, ओके तो हम ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते मल्टीप्लिकेशन वाले, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाँच है तो पाँच ही आएगा बाद में, तो ये वाले ऑपरेशन हम लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, ओके okay? अब सपोज एक आपके पास इक्वेशन है, मैं इनमें टाइम क्यों दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो आप अगर अब यहाँ पर आप 2 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हो 2 का डिवाइड भी तो करते हो ताकि ओवरऑल क्या रहे वही बनी रहे, 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये बनी रहे, ऐसे ही अगर हम 2 का मल्टीप्लाई भी अगर करते हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर आप चलो ऑपरेशन लगाते भी हो, ये वाला ऑपरेशन लगाते भी हो तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी करो, 2 का क्या करोगे डिवाइड भी करो ताकि ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आए, वो क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कशन हो जाएगा, ओके। अब आप कहोगे सर मैट्रिक्स में भी तो हम बहुत सारे ऑपरेशन लगाते हैं, उससे भी तो फर्क पड़ना चाहिए, नहीं मैंने आपको बताया था कि अगर आप जैसे a इज इक्वल टू आई ए है तो इसमें अगर आपका 1 2 3 1 लिख रहा है और यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहा है 1 0 0 1 एंड दिस, अगर मैट्रिक्स में आप ऑपरेशन लगाते हो R1 में R1 प्लस R2 कुछ भी कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, तो देखो ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं, हम दोनों तरफ लगा रहे हैं ताकि ओवरऑल पे कोई दिक्कत ना हो, ऑपरेशन कहाँ कहाँ लगाते हैं इस पर, मतलब इस पर भी लगाएंगे और इस पर भी लगाएंगे ताकि ओवरऑल में कोई चेंज ना आए, क्लियर, दोनों तरफ लगता है तो इन ये सारे ऑपरेशन लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम ऑपरेशन इक्वल के इधर साइड नहीं लगा रहे हैं, वही ऑपरेशन इक्वल के इधर भी लगा रहे हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इफ वी हैव 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया, आप मान लो यहाँ पर इसको मान लो और यहाँ पर चल रहा है आपका क्या ए, कुछ भी वैल्यू ले लो, ए ही ले लो कोई बात नहीं, तो बताने के लिए अगर मैं कोई ऑपरेशन, ये ऑपरेशन मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसमें, सपोज मैंने लगाया यहाँ पर ऑपरेशन 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से ही मल्टीप्लाई मुझे इस ऑपरेशन में भी करना पड़ेगा, मतलब इधर भी 5 से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ओवरऑल तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट तो ओवरऑल तो वही चल रहा है ना हमारा, LHS = RHS चलता ही तो आ रहा है, ऑपरेशन अगर आप यहाँ भी लगा रहे हो तो यहाँ भी लग रहा है वो, ओके दोनों तरफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी मैट्रिक्स में भी हमारी LHS और RHS बैलेंस है। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज, योर एक्सरसाइज 4.2, आई होप इट इज क्लियर, ओके नाउ सी वेरी सिंपल एक्सरसाइज इफ योर प्रॉपर्टीज हैज क्लियर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग ही, इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट, 1 से 5 तक क्वेश्चन हमको प्रूव करने हैं, और कैसे, बस हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है और हमको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट्स की पूरी वैल्यू 0 है, इस डिटर्मिनेंट्स की पूरी वैल्यू 0 है, जो भी प्रूव करने के लिए पूछा गया है वो बताना है विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग, इनको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, देखो अगर आप एक्सपेंड करोगे ना कैसे करते हैं, एक रो को लेकर चलते हैं तो एक रो को एक्सपेंड करते हैं रो के अलोंग तो 0 ही आएगा एक्सपेंड करने पर उसने बोला कि विदाउट एक्सपेंडिंग, क्लियर, नाउ सी यूजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो यहाँ से एक्स आपको डिटर्मिनेंट्स गिवन है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है एंड बाय यूजिंग दिस इज द पार्ट लाइक दिस इज का ये पूरा इसको छोड़ो आपको प्रॉपर्टी यूज करके 0 प्रूव करना है नाउ सी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी टेक LHS हम क्या ले लेते हैं LHS साइड दिस इज योर LHS साइड एंड दिस इज योर RHS साइड हमको 0 प्रूफ करना है LHS को तो हमने LHS ले लिया अब देखो क्या कर सकते हो आप स्प्लिट कर सकते हो हमको क्या पता है कि अगर किसी रो या किसी कोई रो है या कोई कॉलम है अगर यहाँ पर देखो ये कॉलम पूरा इस कॉलम के एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा टर्म के सम के रूप में लिखे हुए हैं क्लियर तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनको स्प्लिट करके अलग डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं और ऐसे करने से अगर इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 5 तो ऐसे करने से स्प्लिट करने से भी कोई डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा 5 ही आएगा दिस इज योर स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी आई थिंक दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी
नहीं सॉरी, आई दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में कि भाई आप कहाँ तक याद रखोगे कि एक से छह प्रॉपर्टी है कि भाई बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। बस आपको ये लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ओनली आंसर में, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप याद रहता है कि स्प्लिट कर रहे हो तो क्या लिख दोगे, यूजिंग स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम वी टेक एल एच एस। तो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, देखो कॉलम में है ये, एक कॉलम का एक कॉलम के एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं, दो या दो से अधिक टर्म्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं, तो इनको हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो कैसे स्प्लिट होता है, पहले डिटरमिनेंट्स कैसे बन जाएगा, एक्स ए एक्स, वाई बी वाई, जेड सी जेड। मतलब एलिमेंट्स का फर्स्ट टर्म ले लेते हैं पहले, और दूसरे डिटरमिनेंट्स जब बनाएंगे तो सेकेंड टर्म्स ले लेंगे। क्लियर? तो हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट्स कैसे बना दिया, एक्स ए एक्स, एक्स ए एक्स, वाई बी वाई, वाई बी वाई, जेड सी जेड, जेड सी जेड। और क्या लग रहा है यहाँ पर, एडिशन का साइन, तो एडिशन का साइन लगा दो। और दूसरा डिटरमिनेंट्स क्या बन जाएगा फिर, एक्स ए, अब सेकेंड टर्म ले लो, एक्स ए ए सेकेंड टर्म, सी सारे, वाई बी बी, जेड सी सी, तो एक्स ए ए ये सेकेंड टर्म आपका बन गया। क्लियर? तो देखो कितना आसान हो जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से, कि इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट एक्सपेंड करने, अब एक्सपेंड करोगे आप, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो प्रॉपर्टीज से देखो क्या हो जाएगा। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी नंबर थी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, अगर दो या दो से ज़्यादा रो या कॉलम आपस में सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, एंड आई हैव प्रूव्ड दैट। हो चुका है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ से देखो, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कॉमन है, मतलब आइडेंटिकल है, कौन कौन सा, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आपके आइडेंटिकल है, तो दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो गए, सॉरी तो दो कॉलम आइडेंटी हो गए, तो आप लिख देना सी वन एंड सी थ्री आइडेंटिकल, तो इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली इसमें देखो कौन कौन से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो ए बी सी, ए बी सी मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, हैंस इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी जीरो। सो जीरो प्लस जीरो कितना आ गया, जीरो, और हमें जीरो ही तो प्रूफ करना था इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, तो क्या आ गया, जीरो। हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कंसल्ट विद मी, एंड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं गर्ल्स के बॉयज़ के, एक आपका डाउट सेशन चलेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। ओके नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ये पूरे डिटरमिनेंट्स है, इसकी वैल्यू हमें जीरो प्रूफ करनी है। तो हम एल एच एस साइड लेकर चलते हैं, टेकिंग एल एच एस। अब हम क्या करेंगे कि जीरो बन जाए, क्या करेंगे कि जीरो बन जाए, अगर आप किसी एक रो या एक कॉलम को अगर पूरे को जीरो बना देते हो तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो, सिंपल। तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, देखो हम ऑपरेशन लगा सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, आपकी मर्जी है, आप कितने कैसे भी एडिशन लगाओ। इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर पहले पाँच थी तो ये वाले ऑपरेशन लगाने के बाद भी पाँच ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नाउ सी, हमने आर वन में कैसे चेंज करा है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लगा सकते हैं एडिशन वाले, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो हमने देखा आर वन में कैसे चेंज कर रहे हैं, आर वन में क्या क्या जोड़ रहे हैं, आर वन जमा आर टू जमा आर थ्री। चलो फर्स्ट एलिमेंट आर वन में चेंज करना है तो R2 और R3 एज इट इज लिख दो, तो R2 और R3 एज इट इज लिख दिया, दिस इज R2, दिस इज R3, ये एज इट इज लिख दिया। R1 में चेंज करना है R1 जमा R2 जमा R3, तो R1 क्या है a माइनस बी, जमा जमा का साइन लगा दिया, R2 कितना है R2, देखो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या चलेंगे, फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर का ही चलेगा, सेकंड नंबर के साथ सेकंड नंबर का ही चलेगा, थर्ड नंबर के साथ थर्ड नंबर के ही चलते हैं, ये हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं जब हमने इनवर्स पढ़ा था मैट्रिक्स में, ऑपरेशन लगाए थे। R1 जमा R2 जमा R3, तो R1 a माइनस बी, R2 कितना है R2, प्लस का साइन, प्लस का साइन, R2 है b माइनस सी, b माइनस सी, प्लस प्लस, एंड R3 कितना है c माइनस a, c माइनस a। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट में कैसे चेंज हो गया, इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐसे चेंज हो गया, तो लिख दिया ये पूरा। ओके नाउ सेकेंड R1 में चेंज करना है, R1 के सेकेंड एलिमेंट में चलते हैं, तो कैसे, R1 जमा R2, R1 कितना है b माइनस सी, b माइनस सी, जमा जमा R2 कितना है c माइनस ए, c माइनस ए, प्लस प्लस R3 कितना है a माइनस बी, देन a माइनस बी, ये आपका चेंज हो गया पूरा। ओके अब मूव करते हैं R1, R1 रो में चेंज करना है, R1 रो का पहला एलिमेंट हो गया, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया ना, थर्ड एलिमेंट में, थर्ड एलिमेंट में भी कैसे चेंज करना है, R1 जमा R2 जमा R3, R1 कितना है c माइनस ए, प्लस प्लस, ओके R2 कितना है a माइनस बी, देन a माइनस बी, प्लस
R3 कितना है, B माइनस सी, मतलब पहले नंबर का, अगर R1 का तीसरा नंबर है तो R2 का भी तीसरा ही एलिमेंट, R3 का भी तीसरा एलिमेंट, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स आई हैं। हमने ऐसा क्यों करा है, आपको ये लॉजिकली आपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ये पूरी जो रो है जीरो बन जाएगी। देखो, ए से प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, ये सारे कैंसिल आउट, और ये सारे भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जीरो बचा, जीरो जीरो, तो हमारे बच गए जीरो जीरो जीरो, पूरी एक रो क्या हो गई, जीरो, और बी माइनस सी एज इट इज़। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी रो और कोई भी कॉलम अगर जीरो हो जाती है पूरी, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो। तो लिखना है एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑफ R1 आर जीरो, सो वैल्यू ऑफ डिटरमेंट्स लिख देना, डिटरमेंट्स इक्वल टू जीरो, सो यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे वैल्यू जीरो, LHS इक्वल टू RHS। आप एक्सपेंड करके भी देख लेना भाई, R1 के अलावा एक्सपेंड करोगे तो जीरो को ही तो रखोगे पहले, तो सबसे वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री, वेट अ मिनट, नाउ सी, हैस ओके, दिस इज सही क्वेश्चन है, ये वाला सही क्वेश्चन है, आपके उसी पर है, दिमाग पर है। तो देखो, हमको प्रूफ करना है कि आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है 2765, 3875, 5986, इस डिटरमिनेंट्स को आप प्रूफ करो इज इक्वल टू जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। चलो, ऑन टेकिंग LHS, LHS लेकर हम चलेंगे। ओके, तो हम दिमाग लगाओ कैसे प्रूफ कर सकते हैं जीरो, या तो दो रो को आइडेंटिकल बना दो, या एक रो को जीरो बना दो, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, है ना। तो हम यूज़ करते हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 8, 5, तो हम अगर इसको 65 को क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 2, 75 को क्या लिख सकते हैं, 72 प्लस 3। क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं ये बना रहा हूँ 2, 3, 5, 2, 3, 5, अगर यहाँ पर भी 2, 3, 5 बन जाता है, तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी लगाकर हम इजीली से आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो 63 को क्या लिखेंगे, 2, 65 को क्या लिखा हमने, 62 प्लस 3, एंड 86 को क्या लिखा, 81 प्लस 5। ओके, अब हम जानते हैं नाउ बाय यूजिंग स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम, ये पूरा C3 कॉलम, इसके सारे एलिमेंट क्या क्या किस तरीके से लिखे हुए हैं, एक या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम के रूप में या सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे हुए हैं, तो हम डिटरमिनेंट्स को अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले एलिमेंट्स का क्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 2, 7, 63, 3, 8, 72, 5, 9, 81। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं रो थ्री के, सॉरी कॉलम थ्री के, उसके फर्स्ट टर्म ले लिए, तो एक तो बन गया 2, 7, 63, 3, 8, 72, 5, 9, 81, एक डिटरमिनेंट्स ये बन गया, प्लस साइन है तो प्लस लगा दो आप यहाँ पर, एंड सेकंड क्या बन जाएगा, एलिमेंट्स का क्या ले लेंगे, एलिमेंट्स का सेकंड टर्म ले लेंगे, तो 2, 7, 2, 3, 8, 3, 5, 9, 5, 2, 7, 2, 3, 8, 3, 5, 9, 5। ओके, हमको यहाँ से हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ देखो 2, 3, 5, 2, 3, 5, मतलब C1 और C3 आइडेंटिकल बन गई, और जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाती हैं, तो पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो, तो इस तो यहाँ पर लिख देना C1 एंड C3 आइडेंटिकल, तो इस डिटरमिनेंट्स की पूरे की वैल्यू तो आ गई जीरो। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो 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 क्या बना सकते हैं हम। ओके, 7, 8, 9 अगर बन जाए, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9, भाई 7 इंटू 9 63 तो होता है, तो 7, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, 63 को क्या लिखा 7 इंटू 9, 72 को क्या लिखा 8 इंटू 9, भाई 8 बहत्तर ही होता है, एंड 81 को 9 इंटू 9 बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अगर किसी रो में कुछ कॉमन आ रहा है, किसी एक रो में या फिर किसी कॉलम में, एक कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो हम डिटरमिनेंट तो हम बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर? तो यहाँ से देखा हमने 9 कॉमन आ रहा है इस कॉलम में से, पूरे कॉलम में है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 ले लिया हमने बाहर। क्लियर? यहाँ क्या बच गया, 2, 7, 7, 3, 8, 8, 5, 9, 5, ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमको दिख गया कि ये दो क्या बन गई, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल बन गई, 7, 8, 9, 7, 8, 9, तो इस पूरे की वैल्यू जब भी, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब 9 मल्टीप्लाई क्या है आपका, इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो प्लस का जीरो प्लस का जीरो, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो आ गई, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैं, दिस इज़ योर होमवर्क, आप अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करना और देखना कि हम कैसे बना सकते हैं, अदरवाइज आई विल डू दैट इन नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 6,
बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसने बोला है कि आप डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करो और आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो आपको बताना है सो दैट हम अब हमको प्रूफ करना है कि सिक्स हमको 6 से 14 तक जो क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही हैं। ओके तो सिक्स क्वेश्चन आपका हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो सिक्स क्वेश्चन आपका 0a-b -a0-c BC0 = 0। अब देखते हैं, अब आएगा मज़ा इसमें। हम LHS लेकर चले, LHS क्या है हमारे पास, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ओके LHS लेकर चले, LHS में हमारे पास ही है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई R1 / C। अब कहोगे सर आप मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, ऑपरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे ताकि ओवरऑल वैल्यू सेम रहे। R1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, CR1, मतलब R1 को कैसे चेंज करा देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में हम C का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और R2 और R3 एज इट इज लिख दो, R2 और R3 एज इट इज लिख दिया। अभी मत सोचो ये क्या है, R1 में कैसे मल्टीप्लाई किया, C का मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया आपके पास R1 में, इसमें C का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें C का मल्टीप्लाई तो AC, इसमें C का मल्टीप्लाई तो -BC। ओके अब देखो सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ताकि ओवर वैल्यू जीरो रहे। हमें पता है ना हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि लगाएंगे तो इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी टाइम्स सी हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी से डिवाइड भी करेंगे। ओके तो सी से डिवाइड कैसे करेंगे, सी तो देखो यहाँ से आप ध्यान से देखते रहो, इसमें सी का मल्टीप्लाई करा तो इस पूरी रो में से सी कॉमन ले सकते हैं हम बाहर। यहाँ पर देखते रहो, इस पूरी रो में से सपोज ये डिटरमिनेंट्स है, इसमें सी था, यहाँ पर देखते रहो 0ac - BC, ये था क्लियर। इस पूरी में से हमने सी का मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से, मतलब यहाँ से अगर सी कॉमन लेंगे तो सी बाहर आ जाएगा। ओके और सी बाहर आ जाएगा तो ये छोड़ो ऐसे मत देखो, देखते रहो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ध्यान से, सपोज 0ac और क्या चल रहा है आपके पास, -BC चल रहा है, और -a0-c चल रहा है, BC0 चल रहा है। हमने R1 में क्या करा, अपनी तरफ से C का मल्टीप्लाई करा है, और हम ये कर नहीं सकते, अगर ऐसा करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा C का ताकि ओवरऑल वैल्यू क्या रहे, R1 ही रहे। ठीक है तो अब देखो अगर सी का मल्टीप्लाई करा है तो सी बाहर आ जाएगा ना, सी क्या आ जाएगा, इस रो में से आप सी को कॉमन ले लो, तो सी अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, सी बाहर आ गया, और ये मैट्रिक्स बन गया 0a-b और -a0-c BC0, ये बन गया। अब जो ये डिटरमिनेंट्स है ये पूरा कितने मल्टीपल हो गया, सी के मल्टीपल। अगर मैं बाहरी 1/c और कर देता हूँ, ध्यान से देखो, बाहरी 1/c और कर देता हूँ, सी का मल्टीप्लाई सी का डिवाइड, क्लियर, बाहर सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो सी से सी कैंसिल आउट, जो मैट्रिक्स था वही बना रह गया। क्लियर, अगर हम अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/c, मतलब सी का डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि सी से सी कैंसिल होकर ओवरऑल वैल्यू वही रहे। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ आपको। ओके अब यहाँ से देखो, अगर मैंने सी का मल्टीप्लाई करा है इसमें तो सी का डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको बाहर 1/c, ताकि ओवरऑल वैल्यू डिटरमिनेंट्स की जीरो रहे। कैसे जीरो रहेगी देख भी सकते हो भाई, इस रो में से सी कॉमन ले लोगे आप पूरे में से, तो सी कॉमन लेके सी बाहर आ जाएगा, और सी से सी कैंसिल आउट होके जो डिटरमिनेंट चल रहा था वही रहेगा, डिटरमिनेंट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है? ओके तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर उसी चीज का डिवाइडेशन करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल जो डिटरमिनेंट चल रहा था उसकी वैल्यू वही रहे, वही डिटरमिनेंट्स बना रहे। इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए, और ऐसा कब होगा, जब सी से आपने मल्टीप्लाई किया है तो बाहर भी उसी का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। क्लियर? ओके नाउ चलो हमने ये कर लिया, इसको छोड़ो, तो सी का मल्टीप्लाई किया किसी भी रो में तो सी का डिवाइडेशन भी करना है हमको। क्लियर, तो 1/c इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1/c कर दिया। क्लियर? ओके अब हम क्या देखेंगे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं देखते जाओ आप, हम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन हम लगा सकते हैं बिल्कुल ईजिली, इसमें चेंज नहीं होगी वैल्यू। तो हम करेंगे R1 में चेंज कर रहे हैं R1 - BR2, क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी बताएंगे। R1 में कैसे चेंज करा, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 - BR2, तो R2 और R3 एज इट इज लिखे रहने दो, 1/c चल रहा है, 1/c चल रहा है, ठीक है यहाँ लिखे रहने दो, इन टू। अब देखो
आर वन में कैसे आर टू और आर थ्री में कोई चेंज नहीं है, आर टू और आर थ्री एज इट इज, आर वन में चेंज हो रहा है आर वन माइनस बी आर टू। तो आर वन कितना है ध्यान से देखते रहो, आर वन जीरो तो चेंज कर रहा हूँ जीरो माइनस का पहले एलिमेंट में बी, आर टू कितना है आर टू माइनस ए, तो माइनस ए मतलब ये बन गया माइनस बी इंटू माइनस ए, ए बी मतलब आर वन में कैसे चेंज हो गया ए बी, तो ए बी आ गया क्लियर। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट में करते हैं आर वन के में कैसे चेंज हो रहा है, आर वन में ए आर वन लिखना है पहले, आर वन कितना है ए सी माइनस का बी टाइम्स आर टू, आर टू कितना है जीरो जीरो, तो ये आ गया ए सी, ए सी आ गया, तो ए सी का हमने ए सी लिख दिया। अब आर थ्री में कैसे करेंगे, देखो सॉरी आर वन के थर्ड एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है, आर वन माइनस बी आर टू, तो आर वन कितना है माइनस बी सी माइनस का बी आर टू, बी आर टू कितना है माइनस सी, तो माइनस सी, ये क्या बन गया माइनस बी सी प्लस बी सी, ये बन गया जीरो क्लियर, माइनस बी सी प्लस बी सी ये बन गया जीरो, तो यहाँ लिख दिया जीरो। ओके हमने ऐसा क्यों करा आप देखते रहो ध्यान से। ओके तो ये बन गया हमारा चेंज हो गया ए बी ए सी और जीरो माइनस ए माइनस जीरो माइनस सी बी सी जीरो। अब देखो जो आर वन है आपकी ए बी ए सी जीरो है, क्या मैं इसको ए बी ए सी जीरो बना सकता हूँ, बिल्कुल, अगर मैं इस रो में थर्ड रो में ए का मल्टीप्लाई कर दूँ, और हमको पता है हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, अगर जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज़ का क्या करना पड़ता है डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि ओवरऑल वैल्यू सेम रहे क्लियर। तो अगर मुझे आइडेंटिटी बनाना है तो इस रो को मैं ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ ए बी ए सी जीरो, मल्टीप्लाई करना है अपनी तरफ से नहीं कर सकते तो ए का डिवाइडेशन भी करना पड़ेगा। तो नाउ क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई आर थ्री, क्योंकि आइडेंटिकल बनाने के लिए ये रो और ये आइडेंटिकल बन जाएगी फिर क्लियर। तो अगर हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर थ्री में, चलो मैंने आर थ्री में देखो आर वन आर टू एज इट इज ए बी ए सी जीरो, ए बी ए सी जीरो माइनस ए जीरो माइनस सी माइनस ए जीरो माइनस सी और वन बाई सी चल रहा है एज इट इज। अगर हम आर थ्री में ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन बाहर भी ए का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो ए बी ए सी ए का मल्टीप्लाई कर दो ए में बी में ए बी, इसमें भी ए सी जीरो में ए का मल्टीप्लाई तो जीरो, तो बाहर भी ए का मल्टीप्लाई करना बाहर भी ए का डिवाइडेशन करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल डिटरमिनेंट्स में वैल्यू में चेंज ना आए। तो हमने क्या कर दिया बाहर भी ए का वन अपॉन ए ए से डिवाइड कर दिया क्लियर। अब हमने ऐसा क्यों कहा बिकॉज क्यों करा, क्योंकि यहाँ से आइडेंटिटी बन गई आर वन और आर थ्री आइडेंटिटी बन गई, और जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं देन द वैल्यू ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखोगे हमने ये लिख दिया आर वन आर थ्री आइडेंटिकल है, और यहाँ क्या चल रहा है वन अपॉन सी ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर। ओके अब